स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में। और आज की वीडियो हमारी ओवरलॉक की वीडियो है, जो सैयद सैफ भाई हैं हैदराबाद से, उन्होंने मांगी है कि ओवरलॉक की लूपर की सेटिंग कैसे करें। और सिस्टर मसी श्री मुख्तर साहब से हैं, उन्होंने वीडियो भी भेजी है हमें कि मशीन जो सिलाई छोड़ रही है, व्हाट्सएप पर उन्होंने वीडियो भेजी है, वो भी दिखाएंगे आपको। और जो दिखाइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए जो सिस्टर मसी जो है, उन्होंने दिखाई थी कि हम उनकी मशीन जो है इस तरीके से कहीं कहीं चल रही है, कहीं कहीं सिलाई छोड़ रही है। तो देखिए इस तरीके से उनकी सिलाई छोड़ रही है, देखिए ये चीज़ है, ये इस तरीके से ये सिलाई छोड़ के चल रही है, और मतलब कहीं कहीं सही चलती है, कहीं कहीं सिलाई छोड़ देती है। तो आइए पहले फ्रेंड्स, हम जो सिस्टर मसीह उन्होंने जो वीडियो व्हाट्सएप पे भेजी है, पहले वो देखते हैं और फिर मशीन को चालू करते हैं। दोबारा आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। और सैफ भाई हैं हैदराबाद से, उन्होंने वीडियो मांगी है कि इसके लूपर ओवरलॉक के कैसे सेट किए जाते हैं। तो आज दो बहन भाई दोनों की वीडियो बन रही है यहाँ पे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, नहीं तो आपकी वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आइए पहले वो वीडियो देखते हैं जो सिस्टर मसीह ने जो भेजी है श्री मुख्तर साहब से। वीडियो आप देख ही चुके हैं और आप समझ ही चुके हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए फिलहाल मैंने पहले आपको एक टॉपिक और बताऊंगा इसमें कि हमारा इसमें कौन सा धागा किधर और किस साइड चलना चाहिए, हमारा ओवरलॉक में कैसी ओवरलॉक आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने वीडियो भेजी है वो इस तरीके से चलाते हुए कहीं सिलाई छोड़ जाना, कहीं कहीं टाका पकड़ लेना, कहीं कहीं इस तरीके से उनकी सिस्टर मसीह जो है उनकी प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके ये धागे आपने गड़बड़ कर रखे होंगे, ये धागे, ये जो तीनों धागे जो होते हैं, जैसे कि देखिए ये धागा है और एक ये धागा है, ये है और तीसरा धागा जो हमारा ये यहाँ चलता है, देखिए ये जो है, अगर ये धागे लूज टाइट होंगे, ये गड़बड़ करने लगेंगे, तब भी आपकी मशीन में सिलाई छोड़ने की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपने धागे गलत डाल रखे हैं अपनी मशीन में, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, धागा तोड़ने की, धागा छोड़ने की, फंदा ना लेने की, इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। तो फिलहाल इसमें जो है लूपरों की कमी है वो दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनको हमें किस तरीके से और कैसे सही करना है इस पर, इस टॉपिक पर। और मैंने फिर भी देखिए तीन धागे अलग अलग कलर के ही डाले हैं, ताकि मैं समझा सकूँ कि इसमें जब हम ओवरलॉक करते हैं तो हमारे कौन सा धागा किस साइड में आना चाहिए। तो फ्रेंड फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका ये ढक्कन निकाल लेता हूँ बाहर को, क्योंकि इसके लिए आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि लूपरों की हमारी सेटिंग कहाँ और कैसे और किस तरीके से होना चाहिए, फिर आपको मशीन फिर आपको बढ़िया करके हम चला करके दिखाएंगे। और लूपर ढक्कन वो खोलने के बाद अब ये हम अपना जो है इसका बूट खोल लेंगे, प्रेशर फुट खोल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया, और प्रेशर फुट निकालने के बाद अपना को ये निडल प्लेट इसकी ये खोल लेनी है, फिर आपको इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी दी हुई जानकारी बहुत सही से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो है हमारा इसमें लूपर में, और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। मैं आपको फिलहाल ये दांते बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत ये है कि देखिए ये हमारे इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, थोड़ा करीब में,
हाँ ये चीज़ देखिए, ये जो है हमारा, ये इसमें देख सकते हो आप ये कितना गैप है, ये चीज़ जो है ये देख सकते हो कितनी स्विच दब रही है ये इस तरीके से। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और ये हमारे लूपर ना ही तो ये इसमें गैप हो और ना ही ये चीज़ टच होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इस तरीके से इसको, ये लूपर को हम इस तरीके से ऐसे करके इस साइड में दबा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा गैप भी ना रहे और लूपर में स्विच टच भी ना हो। हल्की फुल्की टच होगी, चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा टच ना हो। इस तरीके से देखें लूपर को, अपनी साइड दबा करके देखें। अभी थोड़ा गैप और है इसमें, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अब जो है इसमें हमारा बिल्कुल हल्का सा गैप है, देख सकते हो आप इसको, बहुत हल्का सा। इस तरीके से देखिए, अब ये अगर इस तरीके से हम दबाते हैं लूपर को, अपनी साइड में खींचते हैं, तो लूपर हमारा टकराएगा भी नहीं सुनिए। और दूसरी चीज़, अब ये देखिए, अब हमें ये देखना है कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे ये दूसरे जो लूपर जो हैं, ये जो लूपर जो है हमारे, ये दो लूपर देखिए कितना गैप है इसमें, इस गैप को भी हमें ख़त्म करना है। लूपर को इस तरीके से यहाँ से प्लास से पकड़ लें आप, और इसको अपनी साइड में इस तरीके से इसको ऐसे करके दबा के दबा लें, अपनी साइड को दबा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काफ़ी हद तक गैप इसका ये कम कर दिया है, ये इस तरीके से आपको, तो देखिए। और इस तरीके से दूसरे लूपर को पकड़ के टच करके देख लें कि हमारा ये लूपर टच तो नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का गैप इसमें होना चाहिए। और दूसरी तीसरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ से के सुई के सुराख, लूपर के सुराख से सुई जो है बिल्कुल ठीक ऊपर रहना चाहिए, और इस तरीके से ये मशीन हमारी ओके हो जाती है। इसी तरीके से आपको सिस्टर मसीह और सैब भाई जो हैं, वो आपको अपनी लूपरों की सेटिंग देखनी है, और इसी तरीके से लूपर की सेटिंग बनानी है। और ये देखिए मैंने आपको किस तरीके समझाया, और जो अभी जो मशीन जो सिलाई छोड़ रही थी, वो अब इसमें प्रॉब्लम है या नहीं वो दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो ही जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो देखिए मैंने लूपर की सेटिंग तो बना दिए, मिला दिए हैं, और अब जो है इसको हम फिट करके आपको चला के दिखाएंगे। तो एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप लूपर नए डालते हैं, ये लूपर नए डालते हैं, तो आपको काफ़ी ये घिसना भी पड़ सकते हैं, और ये टेढ़े मेढ़े काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद आपसे, लोगों से, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी लूपर डालें तो ओरिजिनल लूपर डालें, लोकल लूपर नहीं डालें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी फिट करने में। ओरिजिनल लूपर में आपको ज़्यादा ना ही तो मोड़ने की ज़रूरत है, ना ही घिसने की ज़रूरत पड़ती है। लोकल लूपर ना डालें, लोकल डालेंगे लूपर तो आपको दिक्कत आएगी इसको फिट करने में लूपरों को। और सुई भी लोकल ना डालें, ओरिजिनल ही चलाएं। तो इस तरीके से आप अगर ओरिजिनल लूपर चलाते हैं, ओरिजिनल ही सब चीज़ चलाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह फिटिंग करने में और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मशीन हमारी चलने में भी बढ़िया रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल इसको मशीन को फिट कर लेता हूँ, और आपको फिर इसको चला करके मैं दिखाता हूँ कि हमने जो मशीन अभी अपनी लूपर जो सेट किए हैं और जो मशीन सही की है, अब हमारी कैसी चल रही है। आपको पहले तो मैं चला कर दिखा ही चुका हूँ इस पर, ये कैसी सेटिंग थी हमारी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दांत इसके लगा देता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ। और फ्रेंड्स, एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दांतें तो कस दी हैं, दांतें फुल टाइट करने से पहले निडल प्लेट ज़रूर लगाएं, ताकि हम दांतों की भी सेटिंग देख सकें कि हमारे दांतें ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे तो नहीं है, क्यों अगर दांतें ज़्यादा ऊपर होंगे तो आपकी सिलाई कभी भी साफ नहीं आएगी, हमेशा सिलाई गड़बड़ ही रहेगी, नम आएगी, सिकुड़ेगा कपड़े को। तो इस तरीके का ध्यान रखें। देखिए दांतें जो बहुत ज़्यादा उठ गई हमारे, तो वही जो पेज जो हमने इसे खोला था, उसी पेज को हम ढीला करके हल्के से दांतों को नीचा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दांतें जो हमारे इतने रहना चाहिए जितने अब हैं, देख सकते हो आप। देखिए ये दांतें जो आप देख सकते हो कितने, जितने ये दांतें जो हैं, ये यही ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर रख दोगे तो ये जो है मशीन जो है हमारी सिलाई गड़बड़ करने लगती है, ये प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। और अब आपको जो है पेंच इसका फुल टाइट कर देना है बढ़िया करके,
बेहतर तरीके से टाइट कर दें। और अब जो रहेगा हमारा ये पैर रहेगा, इस पैर की भी सेटिंग थोड़ी सी होती है। ये सेटिंग जो है वो ये है कि हमारा पैर जो है जब हम कसें तो, और जो हमारी सुई जो नीचे निडल जो आती है हमारी, वो निडल हमारी इस पैर के बिल्कुल बीचा बीच में आनी चाहिए। बिल्कुल बीचा बीच में आए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना हमें पैर कसते समय, ये देखना है इस तरीके से कि हमारे पैर जो है पटली में, यहाँ से इस तरीके से देखें झांक करके कि हमारा पटली पे एक सार गिर रहा है, कहीं ऊंचा नीचा, कहीं इस साइड से या इस साइड से ऊंचा नीचा तो नहीं है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसको, ये इतनी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद पैर को अपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रेशर फुट को टाइट कर दें, और बाद में ये जो हमारा ढक्कन ये जो रह जाता है इसको लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ का ध्यान रखें, देखें इसकी धागे ज़रूर देखें ज़्यादा लूज टाइट ना हो। और अब जो है हम आपको इसको चला करके धागे डाल के फ्रेंड्स इसको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर मसी और सैफ भाई, मैं धागे डाल चुका हूँ और अब मशीन को चला करके चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन की कैसी सेटिंग और क्या आई है, और कैसी अब ये सिलाई छोड़ रही है या नहीं। फिलहाल आपको ये दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी इसमें धागे जो हमारे गड़बड़ हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये वाला धागा हमारा टाइट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये पीला धागा जो मैंने इसीलिए अलग अलग कलर डाले हैं, देख सकते हो आप ये तीनों कलर अलग अलग डाले हैं कि कौन सा धागा हमें किधर चलाना है। तो ये पीला धागा जो है हमारा ये निडल पर से जो आ रहा है ये पूरा जिगजैग यहाँ होना चाहिए, और ये वाला धागा जो है हमारा यहाँ किनार पर चलना चाहिए, और ये धागा जो है हमारा जो साइड से पहिए की साइड से आ रहा है वो यहाँ पर ऊपर जो सही चल रहा है, लेकिन ये दो धागे हमारे ये गड़बड़ हो रहे हैं। तो इनको क्या करना है हमें, पहले तो हम इसको लूज कर लेंगे धागे को, इस धागे को लूज कर लेंगे, और ये वाला धागा जो है हमारा ये इस धागे को हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से सिलाई, देखिए ये जो है हमारी ये जो है इस तरीके से टांका आना चाहिए। देखिए ये जो पीला धागा जो है देखिए यहाँ पर, और ऊपर गुलाब ये वाला धागा, मतलब इस साइड का धागा जो है हमारा जो इस साइड से चल रहा है, साइड से आ रहा है, वो धागा जो है हमारा यहाँ किनार पे आएगा, और जो हमारा ऊपर वाला धागा जो है ये वाला धागा जो बीच का धागा जो आता है निडल से होते हुए, वो यहाँ जिगजैग करता हुआ आएगा नीचे की साइड, और जो ऊपर की साइड जिगजैग आती है वो इस धागे की आती है हमारा इस साइड से, इस टेंशन से जो धागा जो होता है वो इस टेंशन से यहाँ पर ऊपर जिगजैग आएगी, और ये निडल वाला धागा नीचे जिगजैग आएगी और ऊपर यहाँ सिलाई आएगी, और इसकी जो बीच में जो सिलाई चलती है यहाँ पर किनार पर जो सिलाई चलती है वो इस धागे की चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो भी जानकारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझूँ। सिस्टर मसी और सैफ भाई हैदराबाद से, सिस्टर मसी जो हैं श्री मुख्तर साहेब से, उन्होंने वीडियो मांगी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो सर बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, और जो मेरे चैनल पर मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।